हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में आया है ये कार्ड सेट। हमारे बंदे गए थे कहीं प्लांट में, वहाँ का बैलेंस खराब था, उनसे हुआ नहीं वहाँ पे, तो कार्ड को पता नहीं कैसे तोड़ मरोड़ के उठा रहा है, तो उनसे हुआ नहीं, तो मैं देख रहा हूँ उस कार्ड को। अब पता नहीं क्या है ये कार्ड, कौन सा है, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं इसकी, देखते हैं तो पता होगा क्या है ये। तो प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, इसमें बहुत सारा जंजाल है, कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा, क्या है ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, पॉइंट देखने पड़ेंगे इसके। आधे वायर तो पता नहीं कहीं कहीं के टूट रहे हैं, ये डिस्प्ले के वायर हैं, तो इनको अपन तोड़ के हटाते हैं। इनको डिस्प्ले, आजकल एक्स्ट्रा डिस्प्ले किसको लगाना है, इनको काट देते हैं। इसको ऑन करके वापस भिजवाना है, काम में डेली बहुत सारे कार्डों को मैं रिपेयर करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि कार्ड रिपेयर करने में बहुत टेंशन वाला काम है, कोई होता है, कोई तरीके से करना पड़ता है, कोई में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं आप वीडियो नहीं बना पाता। बाकी ये वायर कहीं के हैं, ये देखते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है तो इसको ऑन करने का हो रहा है। एक बार ऑन हो जाए तो बंदे लगा लेंगे प्लांट में जाके, फिर तो वो सब पता है। पता करना पड़ेगा कौन सा स्विच का वायर है, कौन सा सप्लाई का है, में क्या है। इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी सप्लाई, सप्लाई लगाने में पता लगता है क्या। तो देखिए ये सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई जा रही है इसमें, तो इसमें एडेप्टर लगता है, तो हमारे पास एक एडेप्टर पोर्ट है, सप्लाई देके देखते हैं। ऑन हुआ नहीं है, सप्लाई दी है हमने, ऑन नहीं हो रहा। देखिए सप्लाई से चेक करते हैं, सप्लाई कैसे जा रही है। सप्लाई यहां तक तो दिखा रहा है, सप्लाई आ रही है, इससे लगता है कहीं ना कहीं वायरिंग भी गलत है इसकी, थोड़ी वायरिंग ठीक करते हैं। Thank you.
कैपेसिटर तो पहले चेक कर लेते हैं। एक बात मैं और आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए ये डिप स्विच है, ये स्विच है, इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर उधर, कैलिब्रेशन करके शिफ्ट कर देते हैं ताकि कैलिब्रेशन लॉक हो जाता है। तो देखिए डिप स्विच है, कैलिब्रेशन लॉक हो जाता है इससे, इसको ऑन हो जाए तो अपनी वीडियो ख़त्म हो। सप्लाई यहाँ तक तो बढ़िया है, सप्लाई आ रही है। लेकिन यहाँ से कौन सी सप्लाई जा रही है? ये देखिए ये वायर है, ये वायर स्विच के हैं, इस स्विच के वायर को बाद में कनेक्ट कर देंगे हम। तो आप देखते रहिए, यदि मान लो मैं आपको कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो मैं बोल नहीं पाऊँ तो भी आपको समझना है उस वीडियो को देख के, क्योंकि मैं टेंशन में रहता हूँ, मुझे पूरा काम निपटाना होता है। तो मैं ज़्यादा, यदि आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए मैं वीडियो खूब डाल दूंगा लेकिन बोल नहीं पाऊंगा मैं। वीडियो तो मैं काफ़ी बना सकता हूँ लेकिन वो बोलने की थोड़ी टेंशन है, मेरे पास काम बहुत रहता है तो बोल नहीं पाऊंगा मैं। आप गौर से देखिए और समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ मेरी कोई सी भी वीडियो में, लेकिन आपको अपने आप समझना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ पे वायर चेंज कर रहा हूँ, कहाँ पे जोड़ रहा हूँ और क्यों जोड़ रहा हूँ। तो आप अपने आप रिपेयर करना आ जाएगा आपको। अब देखिए जैसे कि ये वायर जो है ये गलत लगा हुआ है, मुझे लग रहा है ये वायर गलत है, छोटा वायर लग रहा है, इसको निकाल के फेंकते हैं। इसको भी हटाते हैं। आप अपने आप समझिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यदि बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा मैं उनमें शायद बोल नहीं पाऊँ, तो आपको अपने आप समझना होगा कहाँ की सप्लाई आ रही है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आप और जगह भी वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब पर बहुत वीडियो हैं, तो आपको समझ में आता होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। शायद ये वायर भी गलत थे जो मैं जोड़ रहा हूँ, उनको सही से कर रहा हूँ वापस।
अभी अपने को एक कार्ड चालू करना है। अब देखते हैं। ये दो वायर हैं, ये स्विच के हैं। अब देखिए, देखिए थोड़ी लाइट तो आई है। एक बार चेंज करके देखते हैं वायर को। प्लस माइनस का थोड़ा लफड़ा होता है। तो देख लेते हैं, अब चल जाएगा। प्रॉब्लम है, हमें पहले पता लगी ही थी, तार उल्टे पुल्टे हैं, अब चल जाना चाहिए। इसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। कार ये अलग ही तरह का है, देखिए ऑन हो चुका कार। तो चलने में थोड़ा टाइम लगता है, कार्ड इसी प्रकार का है। तो ये थी मेरी वीडियो। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मेरे बेटे का व्लॉग का चैनल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो करें। तो ये थी मेरी वीडियो, थैंक यू।